एक टाइम था जब हम छोटे थे और कुछ भी देखते थे, ज्यादा सोचते नहीं थे, क्या मास्टरपीस, क्या टाइम पास, सब एक बराबर। तब एनिमे, कार्टून्स, साइंस शोज, आर्ट शोज और डिज्नी की कॉमेडीज के अलावा एक चीज थी जिसकी खुद की अपनी एक अलग आइडेंटिटी थी और उस टाइम के सभी बच्चों में इसका एक अलग ही क्रेज था, पावर रेंजर्स। पावर रेंजर्स अपने आप में इतनी पॉपुलर फ्रेंचाइजी रही है कि इसके कितने वर्जन हमने देखे हैं ये हमको खुद ढंग से याद नहीं होगा। एसपीडी, मिस्टिक फोर्स, डायनो थंडर, निंजा स्टॉर्म, जंगल फ्यूरी, माइटी मॉर्फिन और ना जाने क्या क्या, और सब में टेक्निकली एक ही चीज होती थी, पांच रंग बिरंगे प्राणी कंग फू डांस करते हुए, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, पिंक और कभी कभी किस्मत अच्छी रही तो व्हाइट रेंजर, ब्लैक रेंजर एंड इवन कैट रेंजर भी। एंड नो मैटर हाउ रिडिक्यूलस इट मे लुक नाउ, बट बैक इन द डे इट वाज द कूलेस्ट शिट ऑन टेलीविजन। हम इन एपिसोडिक शोज की पूरी स्टोरी लाइन फॉलो करते थे, मेगासॉर्ड्स की फाइट का वेट करते थे, दोस्तों से डिस्कस करते थे कि भाई ओमेगा रेंजर को देखा कितना कूल है यार, भाई मिस्टिक फोर्स का फिनाले देखा, भाई क्रूगर, भाई ग्रम, भाई येलो रेंजर। Not gonna lie, मैंने खुद रेड रेंजर बनके और छोटे भाई को ब्लू रेंजर बना के बहुत धौंस जमाई है। और जब मुझे पता चला कि पावर रेंजर्स का एनिमे चल रहा है, I was like, हाँ ठीक है, मुझे नहीं देखना। Now, अलग-अलग लोगों का रिएक्शन अलग-अलग हो सकता है, and you might be genuinely interested in it, but I was not. I was done with Power Rangers. At the end of the day, it was just five people doing kung fu dance in colorful fancy dresses. आखिरी बार जब मेरे अंदर का Power Rangers fanboy जिंदा था, तब मैंने 2017 में आई Power Rangers की ये मूवी देखी थी. And the best part of this movie is Naomi Scott. I love you. And the rest is meh. इस मूवी ने सिंगल हैंडेडली मेरी बची कुची उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। मैंने सोचा दैट्स इट, मेरे बचपन को यादगार और अमेजिंग बनाने के लिए शुक्रिया पावर रेंजर्स, बट आई गेस नथिंग वर्थवाइल विल एवर रियली कम फ्रॉम यू, सो गुड बाय। सुजुकियों का होली शिट। ओके, पावर रेंजर्स एनिमे देखने में मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था, ऑल्दो तुम लोग काफी टाइम से इसका नाम कमेंट्स में स्पैम कर रहे थे, बट मेरा ऐसा था कि यार अब कौन देखे पावर रेंजर्स, साला अब कौन उठे वापस से दिल लगाने को। बट जब मेरे सामने ये क्लिप आई तो इसने मेरा इंटरेस्ट एक्चुअली जगा दिया। आर यू टेलिंग मी कि जैसे द बॉयज सुपर हीरोज की दुनिया पर एक अलग सिनिस्टर टेक है, ठीक वैसे ही पावर रेंजर्स का ये एनिमे पावर रेंजर्स के ट्रोप पर एक सिनिस्टर टेक है। टेक माई मनी From this metro card. अगर तुमको भी ये सुनकर इसमें इंटरेस्ट आ रहा है तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू गो गो लूजर रेंजर। दुनिया पर कब्जा करने के लिए मॉन्स्टर्स ने अटैक किया था, जिनको बहादुरी और हिम्मत से पावर रेंजर्स ने मार गिराया, वही गुड ओल्ड हीरोइक एक्ट्स ऑफ पावर रेंजर्स। सारे बिग मॉन्स्टर बॉसेस को हराने के बाद जब सिर्फ उनके मिनियंस बचे जो कि कोई एक्चुअल थ्रेट पोज नहीं करते हैं, तो पावर रेंजर्स के माइंड में आया एक बिजनेस आइडिया। दे कैपिटलाइज्ड ऑन द सिचुएशन, यू नो, बिकॉज दे आर इविल इन द शो। उन्होंने इन लो लेवल मॉन्स्टर्स को अपना गुलाम बनाया और उनकी जिंदगी बख्शने के बदले एक डील ऑफर की, जिसमें इन मॉन्स्टर्स को हर संडे एक अरीना में आके पावर रेंजर्स को चैलेंज करना होता है और रेंजर्स उन्हें डिफीट करके लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। लोगों को नहीं पता है कि ये फाइट्स स्टेज्ड हैं। वो तो यही समझते हैं कि ये मॉन्स्टर्स अटैक कर रहे हैं और पावर रेंजर्स उनसे दुनिया की रक्षा कर रहे हैं। थ्रू दिस दीज रेंजर्स एंजॉय द लव एंड चीयर्स ऑफ द पब्लिक एंड अर्न मनी, फेम एंड पावर। दे पुट अप दिस फसाड टू बी मोर पॉपुलर एंड सेल मोर मर्चेंडाइज। ये पूरा खेल 10 साल से चला आ रहा है और ये मॉन्स्टर्स इनके लिए मेयर प्लेथिंग्स हैं। इट इज लाइक स्लेवरी एट दिस पॉइंट। But hey, what did you expect? तुम आके एक आजाद प्लेनेट को अपना गुलाम बनाना चाहते थे, पर अब जब तुम सिर्फ 10-20 हेंचमैन बचे हो और खुद गुलाम बन गए हो, I will say that's not even that bad of a punishment. You can't expect to live a happy, married and independent life on a planet that you tried to conquer and failed. You did commit acts of terrorism. And while what these rangers are doing is ethically wrong and government should have been the one to actually punish you for your crimes, but even with that, तुम काफी हल्के में छूट रहे हो बे। पर खैर, प्लॉट पर आते हैं। एक दिन एक मॉन्स्टर की टॉलरेंस खत्म हो जाती है और वो निकल पड़ता है बगावत करने। वो रेंजर्स और अपने बाकी साथियों को बिट्रे कर देता है ताकि वो इस फसाड को खत्म कर सके। मिलिए फाइटर डी से। यस, ही इज जस्ट सम साइड कैरेक्टर, सो ही डाइज।
नहीं नहीं मजाक कर रहा हूँ, एक्चुअली ये इसी फाइटर डी की कहानी है। ये मॉन्स्टर्स मर नहीं सकते, इनको परमानेंटली मारने के लिए एक खास तरह का वेपन लगता है जिसके थ्रू ही रेंजर्स ने सभी बॉसेस को मारा था। पर अब ये हैंचमैन जो रेंजर्स के लिए बस एक लूजर है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये क्या करेगा? What can he possibly do against such powerful force? Well, that's where other characters come in. It turns out that not everyone is happy with Rangers. सब लोगों की अपनी ideologies and goals हैं, और ऐसे ही different goals के साथ ये औरत उसको मदद offer करती है। And no, don't even think about it. Don't simp on her. जरा इसकी आंखों में देखो, देखो जरा। अंधेरा है इसकी आंखों में। Such blank expressions are enough to tell you that she's a psycho bitch. ऐसी लड़कियों पर सिंप नहीं करते, पता है? सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। उसको मुझ पर छोड़ दो, शी इज माइन। ये हमारे लूजर को रेंजर स्क्वाड में एनरोल करवाती है, एंड हेंस ही बिकम्स द लूजर रेंजर। नाउ एज एन आइडिया ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, बट द एग्जीक्यूशन हैज बीन काइंड ऑफ अ हिट एंड अ मिस। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, द शो इज नॉट बैड बाय एनी मीन्स। The adaptation is well done, and I know manga readers will not agree because काफी scenes cut वगैरह भी हुए हैं। Well, उस पर तो मैं ठीक से comment नहीं कर सकता हूँ, because मुझे ज़्यादा idea नहीं है कि narratively उस चीज़ ने show को कितना damage किया है। But apart from that, the animation and CGI has been great. The anime in general looks stunning, and it has got a banger opening track with unique and stylistic visuals. My problem, however, lies with how the story unfolds itself. It honestly feels like the author just barely missed catching lightning in a bottle. There are so many aspects of it where I feel it has incredible potential, but it just falls short each time. जैसे सही जगह हथौड़ा मारा पर पूरी ताकत से नहीं मारा। I mean, आजकल के स्ट्रीमिंग के जमाने में जब हर तरह का मीडिया वाइडली अवेलेबल है, मूवीज एंड शोज फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब, जिसमें द बॉयज ऑलरेडी वेव्स कॉज कर चुका है और अब तक अपने आइडिया के एग्जीक्यूशन में अनअपोलोजेटिक रहा है, वहां दूसरी तरफ गो गो लूजर रेंजर ऐसा लगता है जैसे वो खुद को होल्ड बैक कर रहा है। श्योर इट इज गुड इन मोमेंट्स एंड आई एम एंजॉयिंग वॉचिंग इट फॉर वॉट इट्स वर्थ, बट आई जस्ट फील दैट इट कुड हैव बीन सो मच मोर। Rather than showing us this play pretend game of friends and following a shonen-esque structure for the story, it could have been the antithesis of the same. Jaisa One Punch Man or Attack on Titan jaise shows ne apne apne tareekon se kiya hai. Series mein serious undertones hain lekin wo kahin na kahin chup jati hain ya fir utni matra mein mil nahi pati jo mujhe as a viewer satisfy kar sake. Jiski wajah se itne acche idea ka ye execution हाफ बेक्ड लगता है। ऑल्दो तुम इसको उस पर्सपेक्टिव से ना देखो तो नॉर्मली इसको काफी एंजॉय किया जा सकता है और मैंने किया भी है। आई एम जस्ट सेइंग दैट इट इज नॉट अ 8 और 9 आउट ऑफ 10 शो, इट इज अ 7 आउट ऑफ 10 शो एंड दैट्स फाइन। प्रीमाइस इंटरेस्टिंग है और स्टोरी में एक्चुअल प्रोग्रेशन आना तो अभी बाकी है, एंड लास्ट के कुछ एपिसोड्स नॉट गोना लाई काफी एपिक रहे हैं। और कभी कभी ये शो तुमको सेफ महसूस करवाता है कि ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है, बट देन अनएक्सपेक्टेडली एंड ब्रूटली कैरेक्टर्स को मार भी देता है, विच इज अ गुड थिंग एंड आई वुड लाइक टू सी मोर ऑफ दैट। आई जस्ट होप इट कीप्स बिल्डिंग ऑन वॉट इट हैज एस्टेब्लिश्ड सो फार एंड प्रोग्रेसेस इन अ डायरेक्शन विच कैन ट्रूली इम्प्रेस अस एंड लीव अ मार्क। And that was the video. अगर तुमको ये legally देखना है तो तुम इसको Disney Plus Hotstar पर देख सकते हो। Not a paid promotion, no पनीर, कुछ नहीं मिल रहा है। बाकी कमेंट करके बताना कि तुमको शो कैसा लगा और तुम मेरी किन बातों से अग्री या डिसअग्री करते हो। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोक देना प्लीज। टिल देन मैं चलता हूँ, मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में। बाय बाय।